देखिए, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आया था, बहुत अच्छा प्रस्ताव था। सरकार को इसको मानना चाहिए, हमको विश्वास भी है कि सरकार इस चीज़ को मानेगी। इसलिए कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरे तरफ उसी के आधार पर आप योजना का आकार बढ़ा रहे हैं, और तीसरी तरफ जो हमारे विकलांग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे विधवा बेटियाँ हैं, वो सबका भी समाज और बिहार के विकास में योगदान है, और वो आज पैसा के अभाव में दूसरों पर आधारित हो जाते हैं, जो नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में उनको भी, अगर हम कोई रिटायर्ड हो जाते हैं क्लास फोर भी, उनको पेंशन मिलता है। अब इस प्रकार के लोग को अगर पेंशन न दिया जाए तो वह अनैतिक कार्य है। इसलिए हमने कहा कि ठीक है, हमारी माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हम 3,000 नहीं दे सकते हैं, 2,500 नहीं दे सकते हैं, इसलिए कम से कम 1,500 यानी 1,500 रुपया मासिक वेतन उन लोगों को किया जाए, ये हमने मांग किया। माली स्थिति खराब होने का कारण क्या है? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। माली का मतलब कि जो अपंग है, उसकी क्या हालत होगी? जो विधवा है, देखने वाला कोई नहीं है, जो बुजुर्ग हो गया 60-70 वर्ष का, तो स्वाभाविक है कि आज का जो आज आधुनिक युग है, कोई परिवार में अपना बाल बच्चा 10 में 15-20% ऐसे हैं 100 में जो देखते हैं, प्रायः वो लोग असहाय रहते हैं। तो वैसी परिस्थिति में सरकार का दायित्व है कि उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखे और कम से कम 1,500 रुपया उनको अगर पेंशन दे तो कुछ हद तक उनको राहत मिल सकती है। सर, एक सवाल और है। जब आप महागठबंधन में थे उस वक्त आप लगातार यह मांग करते थे, जब आपने छोड़ा उस वक्त भी कहा कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, कोई बातचीत का फॉर्म नहीं बना, एनडीए में इसकी ज़रूरत लग रही है आपको? देखिए, ये जो अभी 12 नॉमिनेशन हुए राज्यपाल कोटा से, हम विश्वास करते हैं नीतीश कुमार जी को, और उनका समर्थन भी हम कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। जो विचार हुआ, विचारों उपरांत जो 12 नाम तय किए गए थे, बड़ी अच्छी बात होती चारों घटक को बुला करके इसमें बात तय कर ली गई होती। वैसा न करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। नीतीश कुमार जी से ऐसा आशा नहीं था, नीतीश कुमार ये सब बात को लेकर के चलते हैं, लेकिन किस गफलत में पार्टनर को नहीं उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा दुख है। फोरम चाहते हैं कि एक फोरम बनाया जाए जिस पर आप लोग ऐसे भी किसी मसले पर बातचीत करें? नहीं, वो तो शुरू से भी मांग हमारी रही है, और कई एक जगह पर ऐसा हुआ है कि ये लोग बुलाए हैं, बातचीत किए हैं, और इस माने में बातचीत न हुई है, यही आश्चर्य है। कोऑर्डिनेशन यहाँ पर भी बनना चाहिए सर, कोऑर्डिनेशन यहाँ पर भी बनना चाहिए। तो कहा तो कोऑर्डिनेशन है, बातें कई एक जगह हुई है, कई एक प्लेटफॉर्म पर बात बुला बुला करके बात की गई है, यहाँ है ऑलरेडी, लेकिन खास करके राज्यपाल कोटा के मनोनयन के संबंध में जो बातें नहीं हुई, ये आश्चर्य की बात है।